हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी आपको जो समर सीजन में आप उसको सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर उसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप नर्सरी से अभी ला सकते हैं हिबिस्कस के प्लांट, जो कि आपको बहुत सारे कलर वेराइटी मिल जाएंगे, तो आप अभी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में और समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो आप देसी भी ला सकते हैं, हाइब्रिड भी ला सकते हैं। देसी को तो आप देसी या हाइब्रिड की कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्लांट है एक जोरा को भी आप ला सकते हैं। ये देखिए, ये एक जोरा का प्लांट है। इस तरह से फ्लावर इसमें आते हैं और इसमें बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, रेड, पिंक, येलो। येलो तो ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन रेड, पिंक और वाइट कलर के आपको कॉमन मिल जाएंगे। उसमें भी बहुत सारी वेरायटी आती है, ड्वार्फ भी आती है और टॉल वेरायटी भी आती है। तो आप चाहे जो ले सकते हैं। मेरा देखिए, ये ड्वार्फ वेरायटी का प्लांट है। और उसके बाद आप समर के मैरीगोल्ड ला सकते हैं या फिर इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। जो समर के मैरीगोल्ड होते हैं, इनकी अलग वैरायटी होती है, जाफरी मैरीगोल्ड होते हैं। तो आप देखिए, मैंने तीन प्लांट ला करके ऐड किए हैं। ये छोटे छोटे बेबी प्लांट मैं लाई थी और ये समय मैं 2-2 रुपये में इनको लेकर आई थी। बहुत छोटी सी सैपलिंग थी, तो आप इनको भी ला के लगा सकते हैं और या तो फिर अभी आप इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अभी आप कॉस्मोस को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर इसके कलर मिल जाएंगे आपको। और इसमें पिंक, ऑरेंज, येलो, तीन कलर के फ्लावर आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल मैरीगोल्ड की ही वैरायटी का ये फ्लावर है, प्लांट है। तो आप इसको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। आप हाइब्रिड विन का या देसी विन का को भी ग्रो कर सकते हैं सीड में। समर के बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इनको भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। और आपके पास अगर प्लांट लगे हैं तो आप उनको देखिएगा, ऐसे चेक करिएगा, यहाँ पर इस तरह से सीड पॉट बने होते हैं। तो मेरे गार्डन में तो प्लांट बहुत सारे लगे हैं, लेकिन मैंने भी अभी नहीं देखे हैं इनमें सीड पॉट बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि एक देखिए कितने ज़्यादा लास्ट में रखे हुए हैं। तो मैं भी देखूंगी, अगर सीड मुझे कुछ मिल जाते हैं तो मैं उनको ग्रो कर लूँगी। ये देखिए, मेरे हाइब्रिड विन का है सारे जो यहाँ पर लगे हुए हैं। और जिनिया को भी आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, इन्हीं के सीड से आप इनको ग्रो करके और समर में भी आप इनको लगा सकते हैं, या तो फिर आप इनकी सैपलिंग भी ला सकते हैं नर्सरी से। आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो आप फाइकस का प्लांट ला सकते हैं। समर में भी आप इसको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ये। और छोटे से प्लांटर में लगा करके आप इसको बोनसाई लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये। उसके बाद आप कोलियस ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत ब्यूटीफुल से आते हैं। कोलियस में इतने ज़्यादा कलर आपको मिल जाएंगे, अभी मैं भी आपको दिखाऊंगी, 3-4 कलर मेरे पास भी है। तो आप कोलियस को भी ऐड कर सकते हैं और ये तो कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाता है। अगर आपके नेबर के यहाँ कोई कटिंग प्लांट हो तो आप वहाँ से कटिंग भी ले सकते हैं। आप इस समय अडेनियम भी लेके आ सकते हैं नर्सरी से, क्योंकि जो अडेनियम की वेरायटी है इस समय बहुत अच्छी आती है, क्योंकि समर सीजन इनका ग्रोइंग सीजन होता है। तो आप अगर देसी लेंगे तो आपको 50 से लेकर 100 रुपये के अंदर मिल जाएगा, 100 रुपये तक में मिल जाएगा। और हाइब्रिड वेरायटी का, ग्राफ्टेड वेरायटी का लेंगे तो आपको 200 से 250, 350 इस तरह की रेंज में मिल जाएंगे अडेनियम के प्लांट। तो आप अडेनियम का भी ला सकते हैं और इस समय आप अडेनियम को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। जो फरवरी का मंथ है, बहुत ही अच्छा टाइम है। उसके बाद ये देखिए, आप सनफ्लावर लगा सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं इनको और आप सैपलिंग भी ला सकते हैं इनकी। तो अभी आपको 2-5 रुपये में इनकी सैपलिंग मिल जाएगी नर्सरीज में, तो आप वहाँ से ला सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले होते हैं। इसमें हाइब्रिड वैरायटी की भी आती है और देसी वैरायटी का भी आता है। तो आप जो आपको पसंद हो आप उसके सीड ग्रो कर सकते हैं या फिर उसको आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं अभी फरवरी के मंथ में। उसके बाद देखिए, एक ग्लाडिया के प्लांट है छोटे छोटे से, और तो आप इनको भी अभी सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और अगर आपके पास सीड नहीं है तो आप इनको नर्सरी से इनकी सैपलिंग ला सकते हैं। ये सिलोसिया है, तो सिलोसिया को भी आप नर्सरी से सैपलिंग ला सकते हैं या फिर इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। एक बार अगर आपने इसको अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, जब जब किसी हर किसी गमले में फिर ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है। बहुत ही हार्डी और बहुत ही एकदम आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी सनफ्लावर की प्लांट है और ये है जीनिया का प्लांट, समर का जीनिया। समर के जीनिया थोड़े अलग होते हैं, वैसे तो यही जीनिया हमारे समर में भी चलते रहते हैं, तो आप जीनिया को भी ऐड कर सकते हैं। ये विंटर, समर और रेनी सीजन सारे सीजन में चलता है। रेनी सीजन में थोड़ा कम चलता है, लेकिन विंटर और समर में बहुत अच्छे से चलता है। उसके बाद आप मॉर्निंग ग्लोरी के सीड लगा सकते हैं, इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी सैपलिंग भी ला सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप सीड कहाँ, तो अगर 2-4 प्लांट हमको चाहिए तो सीड क्यों कहाँ से ख़रीदें, ऐसा हो जाता है। तो आप नर्सरी से, अगर आपके यहाँ अवेलेबल हो तो आप नर्सरी से इनकी सैपलिंग ला सकते हैं।
5-5 रुपए में या 2-2 रुपए में आपको मिल जाएंगी। मैं इनको बहुत छोटे से प्लांट लेकर आई थी, अभी देखिए इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। मैंने सिर्फ मिट्टी और सैंड में इनको लगाया था, उसमें मैंने कोई कंपोस्ट नहीं दी थी। जब भी आप छोटी सैपलिंग लाएँ तो आप उसको बहुत ज़्यादा कंपोस्ट में ना लगाएं, नहीं तो फिर उनकी जो क्या होता है छोटी सी रूट्स होती है तो बहुत ज़्यादा खाद को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और प्लांट डेड हो जाता है। तो इसलिए पहले मिट्टी में ही उसको लगाएं, मिट्टी और सैंड के मिक्सचर में लगाएं, उसके बाद आप उसमें खाद ऐड करें। और ये देखिए ये भी जीनिया का प्लांट है, 2 प्लांट मैंने जीनिया के लिए थे। और उसके बाद आप ये देखिए टिटूनिया को भी आप ला सकते हैं। इसके बहुत सुंदर से इसके फ्लावर होते हैं और इसका प्लांट इतना ज़्यादा छूने में अच्छा लगता है, बिल्कुल सॉफ्ट वेलवेट जैसा, तो बहुत ही खूबसूरत से इसमें कलर आपको ऑरेंज मिल जाएंगे, रेड मिल जाएंगे। तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कोलियस की और वेरायटी हैं जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऐड की है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही ऐड की है। तो कोलियस में आपको बहुत अच्छी वेरायटी मिल जाएंगी। और कोलियस को आपको घना बनाने के लिए जो ऊपर की टिप होती है आपको इस तरह से इसको पिंच कर देना है। यहाँ से आप इसको पिंच कर देंगे तो इसमें न्यूनी ब्रांच नीचे से डेवलप होंगे और प्लांट आपका काफ़ी अच्छा घना होता जाएगा। तो आप कोलियस को जरूर ऐड करिए। आप टर्टल वाइन भी ला सकते हैं, इस समय नर्सरी में आपको मिल जाएंगे क्योंकि गर्मियों का प्लांट है और बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप इस समय पोर्चुलाका या पर्सलेन को भी नर्सरी से ला सकते हैं या फिर सीड से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। आपके यहाँ ये अगर प्लांट लगे होते हैं तो बहुत आसानी से आप इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो आपको जो ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। वैसे नर्सरी में बहुत अच्छे न्यू प्लांट आएंगे फरवरी मार्च में, तो आप इनको अपने गार्डन में ऐड करिए। बहुत ज़्यादा समर के तो इतने ब्यूटीफुल से फ्लावर होते हैं, तो आप इनको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। तो इनको भी आप सीड से या कटिंग से ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इनको नर्सरी से ला सकते हैं। और ये इधर देखिए पर्सलेन है, आप पर्सलेन को भी ला सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर सुंदर से फूल आते हैं और बहुत सारे कलर में आते हैं, तो आप इसको भी ला सकते हैं अभी इस टाइम में। और अभी जो एक समर सीजन का प्लांट है बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीनरी वाला प्लांट है कोचिया, तो आप कोचिया को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं, अभी बहुत ही बेस्ट टाइम है। और इसको नर्सरी से भी आप ला सकते हैं। ये देखिए इस तरह के आप बेबी प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छा ये बुश वेराइटी का बिल्कुल एकदम बुशी लुक ले लेता है, जब बड़ा हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो ये कुछ थोड़े से प्लांट है जिनको मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। वैसे बहुत सारी वेरायटी अभी समर में भी आपको मिल जाएगी, विंटर की जितनी तो नहीं मिलती है, विंटर की फ्लावरिंग की तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन जो समर में है समर में भी काफ़ी सुंदर सुंदर से फूल आपको मिल जाएंगे। तो अब आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे लाती जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती जाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरी सैपलिंग अब देखिए बड़ी हो गई, मैंने जब लाया था तब एक ही साथ इनको सबको लगा दिया था और अभी देखिए बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं इन सबको अलग अलग सेपरेट कर लूँगी। तो आप भी इस तरह से ला करके और प्लांट लगा सकते हैं आपके गार्डन में ताकि आपकी समर की भी तैयारी चलती रहे। धीरे धीरे जब तक हमारे विंटर के प्लांट्स ख़त्म हो गए तब तक हमारी समर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।